डोकलाम विवाद ने भारत को चीन से सावधान रहने के लिए जरूरी सबक सिखा दिया है। यही वजह है कि भारत चीन की सीमा पर कई हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है। यह हवाई पट्टी ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में तैयार की जा रही है ताकि इमरजेंसी माहौल में तुरंत सेना की टुकड़ी को तैनात किया जा सके। रक्षा सूत्रों के अनुसार लद्दाख में हमेशा सेना की तैनाती रहना वहाँ के वातावरण को देखते हुए काफी कठिन है, इसीलिए हवाई पट्टी बनाने का विचार किया गया ताकि पड़ोसी देशों द्वारा कोई भी हिमाकत करने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके और तुरंत ही सैन्य आपूर्ति की जा सके। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी तैयार करने के लिए एयरफोर्स की टीम आसपास के इलाकों का मुआयना कर रही है। वही कहा यह भी जा रहा है कि अगर नई हवाई पट्टी तैयार की जाएगी तो इससे सालों से अटके न्यूमा एयरफील्ड प्रोजेक्ट के दोबारा पुनर्जीवित होने की संभावना है। आपको बता दें कि न्यूमा एयरफील्ड प्रोजेक्ट की हवाई पट्टी पर हर तरह के ट्रांसपोर्ट विमान उतर सकते हैं। इस हवाई पट्टी पर आखिरी बार 1960 में विमान उतारा गया था। न्यूमा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चीन से युद्ध के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो चुका था, लेकिन 2009 में दोबारा शुरू किया गया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।